the online students, am I audible? Okay, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं, करें? ठीक है जी, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जी। दिस इज वकास नवाज और आई बीन टीचिंग पॉलिटिकल साइंस सिंस 2017, ठीक है। और माय स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 146 मैक्सिमम आउट ऑफ 200 इन सीएसएस और 14 स्टूडेंट्स हैव बीन एलोकेटेड एज लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस थ्रू पीपीएससी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये जी कि हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो आई डोंट नो, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम चलेंगे तो वी विल गेट एन इंट्रोडक्शन कि आप लोगों की जो है वो बैकग्राउंड क्या है, अटैम्प्ट कौन सी है, उसको भी सामने रखना होता है हमने। लेकिन जो जेनेरिक ओरिएंटेशन में हम बातें कर सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं जी, वो बातें जो हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जितना हम रियलिस्टिक रहें, जितना हम ग्राउंडेड रहें, उतना जो है वो हमारा बेनिफिट है। हम इधर उधर की बात जो है, अनसाइंटिफिक बात जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हम ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले जी जो सिलेबस है, ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग जो है वो सिलेबस को अगर देखें, आई होप कि आप में से मेजोरिटी बच्चों ने सिलेबस देखा होगा। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से आते हैं जी कि प्लेटो पे क्वेश्चन आ गया है, फॉर एग्जांपल यूएस के प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आ गया है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कल्चर पे क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। वहां पर जो जिन वर्ड्स को आप लोग बड़े इंपॉर्टेंस देते हैं वो यही वर्ड्स है ना, कि प्लेटो पे क्वेश्चन आ गया, यूएस के प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आ गया, पॉलिटिकल कल्चर पे क्वेश्चन आ गया। ये सबसे पहली जो बुनियादी मिस्टेक है, यानी कि अगर आप मेरी नजर में पूरी पॉलिटिकल साइंस इस तरह से तैयार कर लेते हैं, फिर भी मैं उसको नहीं समझता कि आपको पॉलिटिकल साइंस की समझ आई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सिंपल है। अगर आप एफपीएससी ने, ये जो आप लोगों के पास जो ऑन कैंपस बच्चे बैठे हैं, आप लोगों के पास स्लाइड्स हैं वो मैंने शेयर की हैं, ठीक है। अगर आप एफपीएससी का सिलेबस खोलें ना, ओपन करें एफपीएससी, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, अगर आप एफपीएससी का सिलेबस ओपन करें तो वहां पर एक बात जान के आपको बड़ी हैरत होगी, ठीक है, कि उसने ऊपर एक स्टेटमेंट दी है, पॉलिटिकल थॉट, ये हेडिंग है और इस हेडिंग के नीचे उसने लिखा हुआ है किसको, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, लॉक, हॉब्स, जितने भी आपके फिलोसफर्स हैं वो किस हेडर के नीचे है जी, पॉलिटिकल थॉट के नीचे ही। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब है जब तक हमें इस चीज का नहीं अंदाजा कि पॉलिटिकल थॉट क्या है, हम प्लेटो तो पढ़ रहे हैं, एरिस्टोटल तो पढ़ रहे हैं, या जितने भी फिलोसफर्स दिए हुए हैं वो तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको किस जाविये से, किस एंगल से पढ़ना है, वो चीज आप कह लें पहले दिन से ही मिस कर जाते हैं रूटीन में। अब आप लोग जो आप में से बच्चे हैं जो गाइडेंस वगैरह इधर उधर से लेते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं, तो यूजुअली हमें जो गाइड किया जाता है वो यही किया जाता है कि जी फला 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 फिलोसफर कर लें, फला 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 टॉपिक कर लें, वहां से क्वेश्चन आ जाता है, वहां से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन जहां से मर्जी आए वो बात की बात है, लेकिन वो क्वेश्चन किस पैराडाइम का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन कहां से आएगा? पॉलिटिकल थॉट का। नंबर 2 बात करूंगा, वो कहता है कि जी यूएस प्रेसिडेंट की पावर्स लिखी। अगर आप अब आगे जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है जी, तो एंड पे आप देखेंगे तो आपको जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, यानी कि यूएसए, यूके, चाइना, जितने भी ये सिस्टम्स हैं, ये जितने भी सिस्टम्स हैं, ये सवाल यूएसए और यूके पे नहीं आता, याद रख लें। इसके ऊपर बड़ा हेडर, आप एफपीएससी का सिंपल सिलेबस भी अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पर ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस या कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स, राइट। तो यूएसए पे फिर सवाल नहीं आया, यूके पे सवाल नहीं आया, सवाल किस पे आया? कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पे। इसका मतलब है उन्होंने ये फजूल में सवाल नहीं लिखा हुआ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन वाला, कोई इसका मतलब होगा तो तभी इस हेडिंग के नीचे उन्होंने यूएसए, यूके और चाइना को लिखा है। इसी तरह पेपर 1 में अगर बात करें तो क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, पॉलिटिकल कल्चर क्या है। अब कहने को सवाल किस पे आया? पॉलिटिकल कल्चर पे। लेकिन अगर आप उसके ऊपर एफपीएससी के सिलेबस में मेजर हेडिंग देखेंगे तो वहां पर एक चीज लिखी होगी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब पेपर में वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे नोट लिखी, पेपर में सवाल वो क्या देगा? पॉलिटिकल कल्चर पे नोट लिखे। लेकिन वो क्वेश्चन किस डोमेन का है, वो डोमेन कौन सी है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। समझ आ गई बात की। इसी तरह एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो बड़ा फेवरेट है आप लोगों का, सर सैयद, याद है आपको, पाकिस्तान अफेयर्स में आप लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको कि व्हाट इज द रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान, व्हाट इज द रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान इन द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट। अगर यही स्टेटमेंट पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाए और यही स्टेटमेंट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में आ जाए, समझ आ रही बात की, सेम स्टेटमेंट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में आ जाए, सेम स्टेटमेंट कहां पे आ जाए जी? पाकिस्तान अफेयर्स में। तो जवाब एक ही होगा या मुख्तलिफ होगा? जी, तो इसका मतलब है अगर आप कह रहे हैं कि उसको पाकिस्तान अफेयर्स के अकॉर्डिंग करना है और उसको पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग करना है, तो फिर पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस में कोई तो ऐसा टूल होगा जिसके अकॉर्डिंगली उसको करना है। तो अगर आप अगेन सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और कायदे आजम, तीनों जो हमारे थिंकर्स हैं या जो हमारे हिस्ट्री के हीरोज हैं, उनको आप नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि उसके ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है, मुस्लिम नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म। अब जब तक आपको नेशनलिज्म की थ्योरी नहीं आती, जब तक आपको मुस्लिम नेशनलिज्म का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आप सर सैयद अहमद खान में, अभी मेरे पास आई हैव क्वेश्चंस विद मी जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, जो पाकिस्तान अफेयर्स का जवाब होता है ना सर सैयद अहमद खान का, वही जवाब बच्चे कहां पे लिखते हैं? पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस की, बेसिकली दीज आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये वर्ड्स क्या है? डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं कि कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है, उसके बाद नेशनलिज्म, पॉलिटिकल थॉट्स और इसी तरह बाकी पोर्शंस जो है वो आपके डिवाइडेड। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी भी सब्जेक्ट को ये इग्नोर किए बगैर, ये इसको जाने बगैर कि ये साइंस है, ये क्या है, वो उसको समझते हैं कि जो जिस तरह पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, जिस तरह ईडीएस है, जैसे ये सब्जेक्ट्स है ना, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस भी है, ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, ऐसे ही जेंडर स्टडीज भी है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है। इट इज नॉट अबाउट कि जी सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप किताब खरीद लें और उसके अकॉर्डिंगली आप पास पेपर्स देख के तैयारी अपनी कंप्लीट कर लें, ये नहीं होता। समझ आ रही बात की? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने प्लेटो एरिस्टोटल को किया हुआ है पहले से, अगर आपको यूएसए, यूके, चाइना ये आते भी हैं, फिर भी आप वो जो हाईएस्ट स्कोरिंग स्लॉट है उसमें नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि थोड़ी सी मेहनत होती है, एक्स्ट्रा नहीं है, ज्यादा नहीं है, बड़ा कम टाइम लगेगा हमारा ये जानने में कि थॉट्स क्या होती हैं, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि फिर जितने मर्जी फिलॉसफर आप करते जाए, वो आपका उनको देखने का जो जाविया है, जो लेंस है, वो क्या हो चुका होगा? चेंज हो चुका होगा। इसी तरह सिस्टम्स है आपके, अपना जो सिलेबस है उसमें तकरीबन कोई 7 से 8-9 कॉन्स्टिट्यूशंस है, आप वो सारे भी तैयार कर लेना टोटल, तो फिर भी स्कोरिंग कम होगी। उसकी वजह यह है कि उनका ताल्लुक पॉलिटिकल साइंस की जिस डोमेन से है, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट मीनिंग कि वो किस डोमेन से, चूंकि हमें वो डोमेन क्लियर नहीं है, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि इट इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग 20 क्वेश्चंस, it is all about preparing 15 questions, it is all about preparing 10 questions. तो questions कम भी तैयार कर ले खैर है, questions कम भी तैयार हुए खैर है, लेकिन जब आपको एक चीज की क्या कहते हैं, बाउंड्री क्लियर है ना कि ये टॉपिक जो आया है ये किस डोमेन से ताल्लुक रखता है, तो फिर उस डोमेन के अंदर रह के उस क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। क्लियर होगी बात जी? नंबर 2, कुछ 5 मिनट जो है वो बोरिंग होंगे थोड़े से। अच्छा, अब मेरा जो ट्रेंड है, अपना बात करने का स्टाइल है या पढ़ाने का स्टाइल है, मैं बच्चों से एक बात करता हूं कि आपने अपने ऊपर तो ट्रस्ट करना नहीं है, ठीक है ना, किसी पे, यानी कि हम तो अभी तैयार कर रहे हैं ना, आप पॉलिटिकल साइंस को लेके फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऊपर तो आपका ट्रस्ट नहीं है, तो आपका अल्टीमेट ट्रस्ट किसके ऊपर होता है? या किताब के ऊपर होता है या टीचर के ऊपर होता है। आई वुड सजेस्ट यू, ना किताब पे ट्रस्ट करें ना टीचर पे करें। किस पे ट्रस्ट करें? जो एग्जाम टेकिंग बॉडी है उस पे ट्रस्ट करें, ठीक है ना। हमारा टीचर्स का, एकेडमीज का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपने जो फेलियर्स हैं या जो स्टूडेंट का अपना फेलियर है उसको भी किस पे ट्रांसलेट करते हैं? एफपीएससी पे। मसलन जिस बच्चे को भी नंबर कम आएंगे उसके पास आप मिलेंगे ना, उसके पास पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा? यार एफपीएससी ने इस तरफ रगड़ा लगा दी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एफपीएससी के पार्ट पे भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इतने भी साइंटिफिक नहीं है कि हम उनकी तारीफों के जो है ना वो पुल बांध दें, लेकिन वो इतने इरेशनल भी नहीं है, ठीक है ना, कि हम बिल्कुल ही हर चीज का जो बर्डन है वो उन्हीं के ऊपर जो है वो हम ट्रांसलेट जो है वो कर दें, ठीक है। अब मसलन 2016, ये आप अपने आपके पास है जी, इसको ओपन करें जरा, ये ले लें आप, ये दे दें, ठीक है जी। मैं सिर्फ 5 मिनट जो ऑनलाइन स्टूडेंट से आप लोगों के लिए बोरिंग होगा, ठीक है, ये ले लें जी, ठीक है, पीछे दे दें जी। 2016, 2017 और 2018 इन तीनों की जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं, ये एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, ये आपकी भी रिपोर्ट्स नहीं है, एंड यू गॉट अ ट्रस्टेड, जिस बंदे ने पेपर चेक किया आपने, उसने आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट किया, ठीक है। तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, ये इसको आपको देखना पड़ेगा। 2016 की जो रिपोर्ट है जी, ये मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसमें वो कहते हैं कि ऑफ द एंटायर नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस ओनली 5 to 10% कैंडिडेट हैड बेसिक नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। ये मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस बच्चा अपीयर हो रहा है, आप लोगों ने अपीयर होना है, क्या आप लोग तैयारी के बगैर अपीयर होंगे? कोई बच्चा कभी आपने देखा हो कि तैयारी के बगैर अपीयर होता हो? छोड़ दे 2-4% को, आप लोग अपीयर होंगे? नहीं होंगे। तो फिर एग्जामिनर को क्या प्रॉब्लम है कि वो क्या कह रहा है? ओनली 5 to 10% स्टूडेंट्स हैड द बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। आप खुद सोच लें कि अगर आपने 200 नंबर की तैयारी की है और मैं आपको बाय द एंड ऑफ द डे कह दूं, जेंटलमैन आपके पास तो बेसिक नॉलेज नहीं है, आपने मुझे क्या कहना, क्या कहेंगे आप लोग मुझे कि सर ये तो आप बड़ी गलत बात कर रहे हैं, देखिए मैंने तो इतनी किताबें पढ़ी हैं, मैं तो इतना मेहनत की है, मैंने तो फलां नोट्स पढ़े हैं, मैंने तो फलां चीज की है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोग थोड़ा परेशान हो जाएंगे कि ये क्या बात हो रही है। और माई पॉइंट ऑफ व्यू इज, माई हम्बल ओपिनियन इज, ये बात वो कर रहे हैं कि आप प्लेटो, एरिस्टोटल, यूएसए, यूके, चाइना तैयार करके जाते हैं, लेकिन उनको किस जाविये से, किस एंगल से करना है, वो एंगल ये वर्ड्स हैं, हम इनसे फेमिलियर नहीं होते। इसका एक टेस्ट केस है, आप में से जिस बच्चे ने या उसके रूममेट ने, आगे पीछे दोस्त ने तैयारी की हुई है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कि व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट। डोंट टेल मी प्लेटो, डोंट टेल मी एरिस्टोटल, ओनली टेल मी व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, मुझे ये नहीं बताना कि यूएसए के प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, यूके के, वो तो किताब में लिखी हुई है ना, उनको मैं रट्टा लगा लूंगा। यू हैव टू ओनली टेल मी द वन सिंगल थिंग एंड दैट इज कि व्हाट इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट, व्हाट इज कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट। और थर्ड बात मैंने की है जी, प्लीज, थर्ड बात मैंने की है, कौन सी जी, सर सैयद अहमद खान वाली, अ वेरी सिंगल टेस्ट के जी सर सैयद अहमद खान पे मटेरियल होगा ना आप सब लोगों के पास, पाकिस्तान अफेयर्स में करेंगे आप तैयारी, कर लिया होगा, आप उसको अप्लाई करके देखें कहां पे, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में, तो आपको जो भी बंदा मार्किंग उसकी कर रहा होगा, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको फौरन पता लग जाएगा कि ये बच्चा पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 को जानता ही नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये सर सैयद की खिदमात याद करके आया हुआ है, सियासी खिदमात, दीनी खिदमात, जज्बाती, पता नहीं वो कौन कौन सी खिदमात हैं, वो सारी खिदमात जो है वो आप पेपर 2 के अंदर भी फिट इन करने की कोशिश करते हैं। क्लैरिटी हुई कि वाई एग्जामिनर, ये देखें ना एफपीएससी इज नॉट, मतलब वो बेवकूफ नहीं है। ये मुझे थोड़ा मौका दें, ठीक है, थोड़ा सा मौका दें मुझे, फिर बात करते हैं जी। आगे चलते हैं, वो कहता है कि इट कुड बी असेस्ड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट कैंडिडेट्स वर नाइदर वेल रेड, कैंडिडेट्स वर नाइदर वेल रेड जी, नॉर वाज देयर रिटन एक्सप्रेशन वर्दी ऑफ क्रेडिट। तो हमारे जो सीएसएस की फ्रेटर्निटी है उसमें एक चीज बड़ी मशहूर हो गई है कि इंग्लिश एसे और प्रेसी, उसके अलावा कोई भी चीज लिखना हराम है। समझ आ रही है ना बात की? मसलन आप में से आई डोंट नो कितने बच्चों ने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, कितनों ने नहीं पढ़ लिए, लेकिन हमारे इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग आर एकेडमी, आर सेटअप, अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, अगर आपको साथ लिखवाया नहीं गया ना, तो समझ लें कि टीचर की तरफ से काम हो गया, जो आपका काम था वो आपके जिम्मे ही रह गया। समझ आ रही है बात की? आपने कभी नोटिस किया कि आप कौन सा इम्तिहान दे रहे हैं, कौन सा कॉम्पेटिटिव एग्जाम, उसका कौन सा पहला पार्ट है जो आप लोग दे रहे हैं? रिटन का उर्दू मतलब, पंजाबी मतलब, फारसी मतलब, पश्तो मतलब कभी निकाला है आपने? क्या मतलब है जी? आप फिलोसफर बन जाए, ठीक है, कोई फायदा नहीं है जब तक आप लिखते नहीं है। और लिखने के लिए उसने खुद बता दिया, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एन इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड इट के रीडिंग के बगैर राइटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, अ हाई मेजॉरिटी हैड नो नॉलेज अबाउट मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स व्हिच वाज पर्टिकुलरली ऑब्जर्व्ड इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंड ऑफ हिस्ट्री, सिविल सोसाइटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अब वो खुद बता रहा है कि ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, बच्चों को उसके बारे में कख पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आईएनजी 2017 की रिपोर्ट, पहला जुमला है, वो क्या कह रहा है जी? द ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज पुअर बट रिस्पॉन्स ऑफ फ्यू कैंडिडेट्स वाज एक्सीलेंट इन देयर अटेम्प्ट, इन मेजॉरिटी केसेस दे फेल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। यार बड़ा एग्जामिनर जो है ना वो सख्त है आप लोगों के बारे में, उसको तो बड़ा जुल्म करने का शौक है कि वो कह रहा है कि तुम लोग भाई घर से 200 नंबर की तैयारी करके आए हो, लेकिन आप लोगों का इशू क्या आ रहा है? क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। तो अब मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन दूं हैं और मैं कहूं कि ये समझ के दिखाएं, तो आपने कहना सर इसमें कौन सी बात है, लगता है ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। बट अगेन आई वुड आस्क यू, नेशनलिज्म, सर सैयद अहमद खान का क्वेश्चन आ गया, आप लोगों ने समझा ये क्वेश्चन किस पे आया है, सर सैयद की खिदमात लिखनी हमने, उसके अंदर आपने खिदमात लिख दी और वो बेचारा ढूंढता रह गया कि नेशनलिज्म कहां पे है या मुस्लिम नेशनलिज्म जो है वो कहां पे है। आगे चलते हैं जी, दे रोट वट एवर दे न्यू अबाउट द टॉपिक। सही है, मसलन उसने पूछा है कि सोवरेनिटी पे क्रिटिसिज्म करो, हमने शुरू कर दिया जो हम घर से रट के गए थे, व्हाट इज सोवरेनिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ सोवरेनिटी, मेरिट्स ऑफ सोवरेनिटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी, ठीक है, ब्ला ऑफ सोवरेनिटी, ढाई तीन चार पेजेस उस पे गुजार दिए, एंड पे एक छोटा सा हेडर बना दिया, कौन सा, क्रिटिसिज्म ऑन सोवरेनिटी जो उसने पूछा था, और बाहर आके कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह पेपर जो है वो क्या आ गया, बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। और जब स्कोर आता है तो बाद में कहते हैं पता नहीं मेरी किस्मत में कोई मसला है, एफपीएससी वाले जो है ना वो क्रिमिनल है, वो दे डोंट नो कि लोग कितनी मेहनत करते हैं, मैंने कितनी मुश्किल से फीसें दी हैं, मैं मर गया हूं, मैंने तबाह हो गया हूं मैं, ठीक है। तो ये इमोशनलिज्म जो है इट डजंट वर्क, ठीक है जी। आगे चले, इन क्वेश्चंस वेयर द अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स वाज टू बी टेस्टेड इट वाज टेकन वेरी लाइटली। इसकी मिसाल दूंगा कि अब एग्जामिनर चेंज हो गया, वो क्या कहता है, अब वो ये नहीं पूछता प्लेटो पे नोट लिखे, अब वो पूछता है व्हाट इज द मॉडर्न डे रेलेवेंस ऑफ प्लेटो, व्हाट इज द मॉडर्न डे रेलेवेंस ऑफ एरिस्टोटल, व्हाट इज द मॉडर्न डे रेलेवेंस ऑफ लॉक एंड हॉब्स। चूंकि बच्चे ने लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया होता है, वो जो मर्जी पूछे, हमने सिर्फ दरमियान में एक वर्ड पढ़ना होता है, कौन सा, या अल्लाह तेरा करम है, अभी मैंने रिवाइज किया था लॉक और अभी आ गया, अल्लाह का बड़ा करम है, ये होता है, ये होता है क्लिक। उसने पूछा ही नहीं है कि लॉक की थॉट्स बताओ, उसने क्या, उनकी एप्लीकेशन बताओ, ठीक है, आपने क्या किया, आपने सारा लॉक लिख दिया और बाहर आके दोस्तों का जानी भाई तेरे ने पेपर गाड़ देता है। वो जब रिजल्ट आता है, पता नहीं यार क्या हुआ है, पेपर वन में इस दफा सर, फिर इधर बच्चे आपने सर एक बात तो बताएं कि पेपर वन जो है उसमें क्या ऐसा हो गया कि बच्चों के नंबर कम आए। सो दिस इज द रीजन, ठीक है जी। आगे चलते हैं, the conceptual questions were intermingled with opinion loaded questions resulting in failure in the convincing the examiner that candidate is familiar with concept of। इसको पंजाबी में उर्दू में आराम से कहते हैं चपेड़े मारना, यही कहते हैं। वो जो कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि ये एंड पे मैं इस नतीजे पर पहुंचूं कि बच्चे क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस उससे भी फेमिलियर नहीं है जी। आगे 17 को स्किप करके 18 पे आ जाए, अगले पेज के ऊपर, उसमें भी खैर यही कुछ लिखा हुआ था। 17 पेपर 2 में भी कोई डिफरेंट परफॉर्मेंस नहीं थी। 18 में वो कहता है कि द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ द आंसर्स वाज एक्सट्रीमली पोर विद फ्यू एक्सेप्शंस, द प्रॉब्लम वाज पोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, possible low standards of teaching in educational institutes and non seriousness of the candidates। चले हमारी भी बुराई कर दी उसने, लेकिन साथ आप लोगों का भी थोड़ा बता दिया, ठीक है। poor eligible handwriting of the candidates creates problem for the examiners। ये जो लोग पैरों से लिखते हैं, ठीक है, अभी वक्त आएगा बात करेंगे, बहुत सारे बच्चों को लगता है handwriting doesn't matter, it does, ठीक है जी। उसके बाद जी some candidates combined answers of all 4 questions which is not appropriate, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन की वो बात कर रहा है, ठीक है। ले जी, अगर मैंने इस सारे जो डिस्कशन है इससे आप लोग ना मतलब टीचर से पूछते हैं ना कि सर कैसे स्कोर करना है या हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो मैं इस चीज का जवाब एक ही, बच्चों को मायूसी होती है इस जवाब से कि ये जो जवाब है ना ये आपको एफपीएससी ने दिया हुआ है। हमारा मसला क्या है, हमने चस्का लेना है, पढ़ना नहीं, काम नहीं करना। 5 बातें जो मुझे समझ आई है, वो क्या कह रहा है, नंबर 1 वो कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ये ठीक करें, नंबर 2 रीडिंग करें, नंबर 3 राइटिंग, ठीक है, और नंबर 4 प्रेजेंटेशन, और नंबर 5 अप्लाइड क्वेश्चंस। इसके अलावा छठी चीज मुझे समझ नहीं आई कि एग्जामिनर क्या कह रहा है। अब ये इसमें से कोई ऐसी मुश्किल बात बता दे कि जो आप समझते हैं कि सर ये मुझे समझ नहीं आया। इट इज एज सिंपल एज समथिंग एल्स कुड बी। ठीक है कि जनाब आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, आप उसकी रीडिंग करें, आप उसकी राइटिंग करें, आप उसकी प्रेजेंटेशन पे काम करें और आप अपनी जो अप्लाइड सेंस है उसको क्या करें, बेहतर करें कि आप किसी चीज की एप्लीकेशन जानते हैं या नहीं जानते। क्लियर हो गया जी? यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई इशू किसी को हो तो प्लीज जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। जी समझ आ रही है जी? जी अभी ये बात हम करेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलें जी, अब हमने एक वर्ड है जिसके साथ हमारा पाला पड़ा है एंड दैट इज पॉलिटिकल साइंस। दो चीजों की इंट्रोडक्शन दूंगा मैं इसके ऊपर। सबसे पहले नंबर 1 जी, पॉलिटिकल साइंस। आप में से मैं हैरान हो जाता हूं, बच्चे कहते हैं सर मेरा बायोकेमिस्ट्री का बैकग्राउंड है तो मेरे लिए ये मुश्किल तो नहीं होगा। आधा वर्ड जो है ना वो आप सारी जिंदगी पहले पढ़ के आए और वो क्या है, साइंस। तो पहली चीज तो ये याद रख लें कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये क्या है, एक साइंस। तो साइंस की डेफिनेशन 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आप लोग पढ़ के आए। और साइंस क्या है, बड़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। साइंस कहती है कि किसी चीज को भी ऑब्जर्व करें, ठीक है, ऑब्जर्व करें, उसका पैटर्न फाइंड करें और अगर उसको फिर उसको टेस्टिफाई करें और अगर वो आपको सेम रिजल्ट्स दे रही है तो वो चीज आपकी क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी या लॉ बन जाएगा। सही है? तो जो बच्चे बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ के आते हैं वो समझते हैं कि शायद कायनात जो है, सियारों को पढ़ना, मॉलिक्यूल्स को पढ़ना, एटम्स को पढ़ना, ये सिर्फ साइंस है। हालांकि वो भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा जो क्रिएचर है वो कौन है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन लाइफ है। इसकी स्टडी इन असूलों के तहत करना ये भी जरूरी है। मसलन लोग झूठ क्यों बोलते हैं, लोग सच क्यों बोलते हैं, लोगों को अपना फायदा सोचना चाहिए, लोगों को सबका फायदा सोचना चाहिए। ये वो सवाल हैं जिनको हमने कौन से असूलों पर पढ़ना होता है, साइंटिफिक असूलों पर। क्लियर होगी बात? तो पहली चीज है इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ साइंस। तो साइंस जो है वो अपनी जो तकाजे हैं उनके मुताबिक चलेगी और उनको पूरा करवाएगी। कोई भी बंदा आपको यहां पर गप लगाता हुआ नजर नहीं आएगा। हर बंदा जो भी बात करेगा वो एविडेंस बेस्ड होगी, लॉजिक बेस्ड होगी, रीजन बेस्ड होगी। जी एक्सपेरिमेंटेशन, वही बात करो ना कि उसको हम बार बार क्या करेंगे, टेस्टिफाई करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, उसके बाद उसके रिजल्ट्स को इवेलुएट करेंगे और फिर हम जाके कहते हैं कि इट इज न्यूटन सेकंड लॉ, इट इज न्यूटन थर्ड लॉ। और इसी तरह पॉलिटिकल साइंस जो है जी, पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी कि हमने इसमें पढ़ना क्या, डील किसके साथ कर, कैमरे को पढ़ने, कंप्यूटर को पढ़ने, दीवार को पढ़ने, किसको पढ़ने। तो ये अभी हम बात करेंगे जी कि स्कोप जो हमारे माइंड में रहना चाहिए पॉलिटिकल साइंस का वो क्या है। 3 चीजों के बारे में जी हमने पढ़ना है। नंबर 1, नहीं जी स्टेट वाली जो डेफिनेशन है वो बहुत छोटी डेफिनेशन है और वो रटे वाली डेफिनेशन है। इंडिविजुअल सोसाइटी और स्टेट, ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके साथ मेरा और आपका अगले 1.5 माह 2 माह वास्ता रहेगा। यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये नॉलेज है इंसान का, मुआशरे का, और नंबर 3 स्टेट का, रियासत का। क्लियर होगी बात? अब हम स्टार्ट करते हैं जी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। इट इज सॉर्ट ऑफ, यहां से जी ये आपकी ओरिएंटेशन खत्म हो गई, गप प्रोग्राम खत्म हो गया। अब यहां से समझ लें कि इट इज योर फर्स्ट लेक्चर, राइट? यानी कि ये नहीं है कि आज की क्लास डंप हो जाएगी, जो आज हम करेंगे उसको हम कल के लेक्चर में आगे उसको कैरी कर रहे होंगे। ये बातें कल आपको पता होंगी तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। अच्छा जी, इंसान, फर्द, इंडिविजुअल कौन है जी? मैं हूं और आप हैं। यहां पर 2 इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, जिन बच्चों का सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस, लॉ, ज्योग्राफी, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ के आए हुए, उनको फियर होता है जी कि हम तो, जो बच्चे वो फोन करते हैं ना, वो कहते हैं सर मैंने तो केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो मुझे समझ आ जाएगी। तो अभी देख लीजिएगा, 0 स्क्रैच से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई सोशल साइंसेस और कोई नेशनल साइंसेस नहीं है। दूसरी बात, पॉलिटिकल साइंस या कोई भी सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट अगर आप उसको किताबों से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप अपनी जात से पढ़ेंगे, यानी कि अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। उसकी मिसाल ले लेते हैं, अभी देख लीजिएगा आप कौन हैं, हम सारे लोग कौन हैं। और याद रख लें, हमारा नाम नहीं है आज के बाद, वी आर जस्ट इंडिविजुअल्स। हम कौन है? अपनी जात में एक इंडिविजुअल है। हमारी एक बॉडी है जी, ठीक है, हमारा एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर क्या है? वो हमारा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। एक बंदा है, उसका नाम ए ले लेते हैं। अगर सिर्फ उसकी बॉडी के बारे में बात हो रही है तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? बायोलॉजिकल ए की। किसकी जी? बायोलॉजिकल ए की। ये बायोलॉजिकल ए मुकम्मल इंसान नहीं है। उसकी वजह, उसमें दिमाग का, सोच का, जज्बात का, एहसासात का होना भी जरूरी है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल ए। ये कौन है? सिर्फ बॉडी पड़ी हुई है, ये बायोलॉजिकल ए है। उसके अंदर सोच भी है, जहन भी है, जज्बात भी है। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल ए है। समझ आ रही बात की? उसके बाद उस बंदे का कोई ना कोई मजहब भी होगा, कोई ना कोई नजरिया भी होगा। तो इसका मतलब है वो कौन है? वो है रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल ए। उसके बाद जैसे आप और मैं हैं, उस शख्स ने लिबास भी पहना होगा, जुबान भी होगी, बातचीत करने का स्टाइल या तरीका भी होगा। तो इसका मतलब है कि उस शख्स का एक एंगल कौन सा है? कल्चरल भी है। उसके बाद वो शख्स या तो गरीब होगा या अमीर होगा, या मिडिल क्लास का होगा, या किसान होगा, या मैकेनिक होगा, या बैंकर होगा। यानी कि उसके साथ पेट है, रोजी रोटी के मसलों से वो जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है उस टाइम उस शख्स की कोई ना कोई इकोनॉमिक ओरिएंटेशन जो है वो भी क्या होगी? मौजूद होगी। क्लियर हो रही बात? दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं है, खा वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो, जिसके माइंड में एक सवाल ना कभी आया हो कि गलत क्या है और सही क्या है। जरूरी नहीं है कि आप रिलीजियस ग्राउंड्स पे कहीं कि ये चीज गलत है, लेकिन उसके अलावा भी तो हम कह सकते हैं ना कि फलां चीज गलत है या फलां चीज सही है। इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल जो है उसका एक एथिकल या मॉरल जो एंगल है, मॉरल पर्सपेक्टिव है, वो भी क्या है? वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर होगी बात? उसके बाद अक्सर बच्चे कहते हैं सर मैं तो पॉलिटिक्स से नफरत करता हूं, मेरा तो पॉलिटिक्स से कोई रोल है ही नहीं। भाई याद रख ले, वेन एवर यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी यू आर पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। बिजली का बिल आता है, जब आप बिजली के बिल को देख के सिर्फ ये कह देना कि ये बिल बहुत ज्यादा आया है, पहले तो कम आता था, इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ये भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है। तो दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो वन वे और द अदर वे पॉलिटिकल नहीं है। क्लियर होगी बात? तो आज के बाद कोई भी इंडिविजुअल है उसकी एक जिंदगी नहीं है। उसकी कितनी जिंदगी है जी? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल, मॉरल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक। अगर आप इसको पॉलिटिकल साइंस से बाहर निकाल के देखें ना तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल भी है। कौन सा है? ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल भी है। कैसे? मोटरवे के ऊपर बड़ा मशहूर केस हुआ है, मोटरवे रेप इंसिडेंट, याद है जी? पेपर में आप बैठे हुए हैं और वो कहता है कि इस वाकये के असरात बताए क्या हुए हैं। तो सबसे पहला असर किस पे ऊपर होगा? इंडिविजुअल पे। अब इंडिविजुअल के ऊपर असर होना है तो किस किस एंगल में असर होगा? बात समझ आ रही है? तो आपको किसी किताब को, आपने कोई किताब नहीं पढ़ी हुई, पेपर में सडनली क्वेश्चन आ गया, लेकिन अगर आपके पास ये ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल है तो फिर क्या होगा? फिर आपको यू डोंट नीड एनी रट्टा, यू डोंट नीड एनी 5-10 हेडिंग्स, ऑल यू नीड इज कि आपने इन डोमेन्स में जाना है। मसलन जब वो मोटरवे वाला वाकया हुआ तो मैं पर्टिकुलरली जो खवातीन है उनसे पूछूंगा कि ये वाला एंगल फील हुआ कि नहीं हुआ, मेंटल सफोकेशन हुई, मेंटल इनसिक्योरिटी आई कि एज अ वुमेन मेरा रोल क्या है सोसाइटी में, मेरा फ्यूचर क्या है सोसाइटी में, मेरी सिक्योरिटी क्या है सोसाइटी में। दूसरा, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन रेज किया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, कानून क्या कर रहे हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद आपने मुआशरे को गालियां दी कि इस मुआशरे में अच्छे और बुरे का कोई मेयार है नहीं है, चले वो है या नहीं है, इतना तकरीर नहीं है सी, मतलब एक क्वेश्चन आया माइंड में कि नहीं आया? अगर वो क्वेश्चन आया तो डैट मीन्स कि हमने एथिकल एंड मॉरल क्वेश्चंस रेज किए। किसके ऊपर? सोसाइटी के ऊपर। अगला क्वेश्चन, आप लोगों ने ये क्वेश्चन रेज किया कि जनाब ये सोसाइटी कहां जा रही है, ये माएँ कैसे बच्चे पैदा कर रही हैं, कैसे उनको पाल रही हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ अपब्रिंगिंग वी आर गिविंग टू आवर चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर उठाया? बेसिकली आपने कल्चर के ऊपर उठाया, सोसाइटी के ऊपर उठाया। यू सी, सिर्फ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल है आपके पास और उस टूल को लेके तो क्या हो गया, आपने पूरा आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। अभी सोसाइटी पे तो आपने बात नहीं की, अभी सिर्फ किसकी बात हो रही है? अब ये तो सिर्फ मोटरवे रेप इंसिडेंट है ना। अगर आप 1200 नंबर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हों उनको सामने रखें ना, इकोनॉमी, टेररिज्म, ठीक है, पॉवर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मूवमेंट, कितनी तरह के टॉपिक्स हैं जिनका ताल्लुक किसके साथ है कि इन फर्दों से। मसलन सीएसएस के अंदर उसने एक टॉपिक दे दिया ऐसे के अंदर कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल रिपरकशंस ऑफ टेररिज्म ऑन सोसाइटी। बच्चे ने टेररिज्म तैयार कर लिया सारा, कॉजेस क्या है, उसकी इंप्लीकेशंस क्या है, आई कहां से, उसने क्या पूछ लिया, साइकोलॉजिकल। अब हमें पता ही नहीं है कि साइकोलॉजिकल एंगल ऑफ लाइफ भी होता है। क्यों सर, मैंने कौन सा साइकोलॉजी पढ़ी हुई, मैंने तो जिंदगी में साइकोलॉजी पढ़ी नहीं। ऐसे नहीं है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए आपकी। कल्चर, सोसाइटी, ये बेसिक्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं कि अ स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू अप्लाई हिज माइंड इनटू द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्या टेररिज्म जो है उससे साइकोलॉजिकल टेरर नहीं आता? आता है कि नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है ना। तो वो आप फिर साइकोलॉजिकल एंगल को नोटिस किया होगा तो फिर आपको ये जानना पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। क्लियर हो रही बात? सोसाइटी की मूव करते जी हम अपनी सेकंड पार्ट की तरफ। सोसाइटी की सिंपल डेफिनेशन लिख लें, व्हेन टू और मोर पीपल लिव टुगेदर। देयर आर मोर कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस, बट फिलहाल हम किस पे जाएंगे जी? वेरी सिंपल डेफिनेशन पे कि व्हेन टू और मोर पीपल लिव टुगेदर। अभी आप देखेंगे कि जब ये इसको हम एंड करेंगे पॉलिटिकल अपना इसको सोसाइटी को, तो जिस तरह हमने एग्जाम्पल से इंडिविजुअल को अप्लाई किया है इसी तरह हम सोसाइटी के ऊपर भी चीजों को अप्लाई करेंगे। डॉन अखबार पढ़ते हैं आप में से कोई, या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते? कोई आर्टिकल याद हो आपने जो आखिरी दफा पढ़ा हो जेंडर के हवाले से? कोई भी कोई आर्टिकल याद हो आप? अच्छा, अक्सर जो हमारे राइटर्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द राइटर्स ऑफ डॉन, ठीक है, वो अक्सर एक जुमला लिखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी इज रैम्पेंट इन द पाकिस्तानी सोसाइटी, अनकंट्रोलेबल, फला 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 फला। वो एक वर्ड यूज करते हैं, कौन सा? आप लोग क्या करते हैं, आप लोग हमें हमने ट्रेन ही आप लोगों को ऐसे किया हुआ है कि आपने जाना है और डॉन पे जो भी आर्टिकल आना है आपने उठा के अपने दिमाग में नोट्स में फीड कर लेना। हैव यू एवर रेज्ड द क्वेश्चन व्हाट इज सोसाइटी? कभी आया वो ख्याल ज़हन में कि सोसाइटी, रोज हम लिखते हैं ना सोसाइटी सोसाइटी, व्हाट इज सोसाइटी? जहां पर हम रह रहे हैं, जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, एक कल्चर है। सिर्फ मैंने जो बातें आपने मुझे अभी बताई हैं इनको सिस्टमैटिक वे में आपको बताना है। देखिएगा आपकी हेडिंग्स और जो चीजें आपने बनानी होंगी वो किस तरीके से बनती है। सोसाइटी जी तीन चीजों का मजमुआ है। नंबर वन, सोशल इंस्टीट्यूशंस। नंबर टू, सोशल organization, and number three, values, या इसकी जगह मैं वर्ड यूज कर दूंगा कल्चर। क्लियर हो गया? सोशल इंस्टीट्यूशंस में तीन प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली, मॉस्क एंड स्कूल। ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, तो दुनिया का कोई भी मुआशरा है वो प्राइमरीली दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिवाइडेड होता है। नंबर वन, अर्बन ऑर्गेनाइजेशन, एंड नंबर टू, रूरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर होगी बात जी। और कल्चर की बात करें तो बहुत सारे लोग अभी बात कर रहे हैं जी कि कल्चर 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 क्या है। बड़ा सिंपल, सॉरी जी, मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। सिर्फ आपकी जो बात है उसको मैं अगेन स्ट्रक्चर्ड कर रहा हूं, व्हाट वी डू, व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी थिंक। ये तीन चीजें जो हैं ये कल्चर है। व्हाट वी डू, what we have and what we think जी, what we think, what we have and what we do, ये तीन चीजों को मिला लें तो हमारे पास कल्चर बनेगा। क्लियर हो रही बात जी। अब हम आते हैं इंस्टीट्यूशन के ऊपर। इंस्टीट्यूशन को जब भी समझना है ना, हमेशा ह्यूमन बॉडी को सामने लाना है। ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये स्केलेटन है। ये क्या है? स्केलेटन है, स्ट्रक्चर है, सही है। लेकिन ये स्ट्रक्चर कहीं पर उस्ताद है, कहीं पर शागिर्द है, कहीं पर मालिक है, कहीं पर मजदूर है, कहीं पर कुछ है। यानी कि ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है और जो फंक्शन ये परफॉर्म करता है वो क्या है, डिफरेंट है। आज के बाद हैबिट बना लें, आइदर इट इज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आइदर इट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड आइदर इट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। आपने अपने दिमाग में ब्रैकेट बना लेनी, और वो क्या है कि मैंने कोई भी इंस्टीट्यूशन पढ़ना है तो मैंने पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है और फिर मैंने उसका फंक्शन पढ़ना है। और अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो फंक्शन चेंज हो जाता है। दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी द स्ट्रक्चर, दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस होएगा तो उसकी वजह से फंक्शन में डिफरेंस। इसकी बेहतरीन मिसाल, और ये एक और फिर बात करूंगा, पॉलिटिकल साइंस को किताबों में ढूंढेंगे थोड़ी परेशान लगेगी, अपनी जिंदगी से ढूंढेंगे तो आसान हो जाएगी। मसलन आप बेशक बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स जिस मर्जी बैकग्राउंड से आए हैं, आप इस इंस्टीट्यूशन को बाईपास करके नहीं आए, फैमिली तो सबकी है, राइट? तो आप अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो कितने स्ट्रक्चर हैं फैमिलीज के? बेसिक दो। एक है जी जिसमें दो पेरेंट्स रहते हैं और उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, राइट? एक स्ट्रक्चर ये है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? एक दादाजी है, उनके आगे चार बच्चे हैं और उन चार बच्चों के भी आगे बच्चे हैं, इस तरीके से। ये क्या है? ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। तो ये हो गए दो स्ट्रक्चर्स। अब मेरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको किसी भी कोई मतलब किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है ये जानने के लिए कि आपने, अगर खुद नहीं होंगे तो आपके इर्द गिर्द कोई जरूर होगा। डू यू लिव इन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम? मेजोरिटी बच्चे किस में रहते हैं? ज्वाइंट में। कोई न्यूक्लियर वाली भी फैमिलीज को आप जानते हैं, ठीक है? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह के आपको एक मसला हमेशा जरूर दरपेश आया होगा, फ्रीडम का। जब भी आपने को अपनी जाती कोशिश, राय, उसको सामने लाने की कोशिश की होगी, पता चलेगा ये दादे को पसंद नहीं, ये दादी को पसंद नहीं, ये अब्बा को पसंद नहीं, ये अम्मा को पसंद नहीं, ये फूफी को पसंद नहीं, ये मेरे कजन्स क्या सोचेंगे। अक्सर देखें ना, शादी वगैरह आ जाए तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? कि देखें जी अब अगर हम ज्यादा महंगे कपड़े पहनेंगे तो वो क्या कहेंगे, अगर हम ये वाली गाड़ी लेंगे तो वो साथ वाले क्या कहेंगे। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस में वो आपको सामने आते हैं। उसके कंपैरेटिवली न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम देखें तो वहां पर क्या है, कंपैरेटिवली इंडिविजुअल के लिए क्या है, फ्रीडम ज्यादा है, ऑटोनॉमी ज्यादा है। अब ये छोड़ देते हैं, वापस आ जाते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हुआ, फंक्शन चेंज हो गया। इट्स वेरी सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। डन हो गया, अर्बन एंड रूरल, क्लियर होगी बात। सेम जेंडर के क्वेश्चन को ले लेते हैं, सेम फ्रीडम को ले लेते हैं, है तो सोसाइटी, लेकिन अर्बन सेटिंग और है और रूरल सेटिंग और है। जो बच्चे गांव से आए हैं उनको पता है कि गांव क्या है, और जो बच्चे शहर से आए हैं उनको पता है कि शहर क्या है, लेकिन दोनों में जो लाइफ है वो क्या है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। दोनों की जो बेसिक्स एंड डायनामिक्स है वो क्या है, डिफरेंट है। तो अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो क्या वो गांव में ज्यादा है या शहर में ज्यादा है? जेंडर इनइक्वालिटी गांव में ज्यादा है। तो अगर तो फिर पूरी सोसाइटी जो है उसको लेबल लगा देना, इज इट राइट? इसका मतलब है हमें सोसाइटी वर्ड का फिर पता ही नहीं। तो जितना अच्छा हम जानेंगे उतना अच्छा ही हमें समझ आती जाएगी। अब गांव और शहर में फर्क लिखना है, ठीक है? बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे भी बचपन में याद करते होते थे शहरी जिंदगी और देहाती जिंदगी, वो डिफरेंस आपको पता है, सिर्फ मैं आपको सिस्टमैटिक वे में लिखवा देता हूं, जल्दी से लिख लें जरा। नंबर 1 जी, गांव में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? वो एग्रीकल्चर है। शहर में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इंडस्ट्री है, मशीन है, राइट। नंबर 2, गांव का जो सोशल ऑर्डर है वो फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है, और जो शहर का सोशल स्ट्रक्चर है वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड है। यानी कि गांव में फैमिली एज अ प्रोडक्टिव यूनिट है और गांव में, शहर में इंडिविजुअल एज अ। मसलन आप गांव के जो बच्चे हैं, आप कल को सीएसएस करेंगे तो बहुत सारे लोगों को आपका नाम भी नहीं पता होगा, वो आपको किसके नाम से याद करेंगे? आपके दादा के नाम से, अब्बा के भी नाम से नहीं। अभी हमारे जो अब्बे हैं जिनकी जो एज है, अभी वो जिंदा है ना, तो उनके जो अब्बा है ना, अभी उनकी लेगेसी चल रही है, ठीक है। फिर एक फैमिली का नाम होता है, उसके हिसाब से फिर आपकी कास्ट, अराइया दा मुंडा सीएसएस कर गया, फलानिया दी कुड़ी सीएसएस कर गई है, तो आपको कोई नहीं जानता होगा, या जाने भी तो फिर आपका पहचान तारुफ क्या होगा? आपकी फैमिली होगी। नंबर 2, जायदाद, ठीक है। तो जो ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं उधर ये नहीं चलता कि 3 एकड़ मेरे हैं, 3 मेरे ताया के हैं और 3 मेरे चचा के हैं, नहीं। आप कलेक्टिवली बताते हो कि हमारी जो जनाब पूरी फैमिली की जमीन है वो इतनी। तो इन शॉर्ट, ऑनर हो, लड़ाई हो, जमीन हो, कामयाबी हो, नाकामी हो, वो किसकी होती है? वो कलेक्टिव होती है। शहर में क्या है? शहर में एक बिल्डिंग में 4 स्टोरीज बनी हुई है, चारों भाई अलग-अलग रहते हैं, वो दूसरे गलती से बिल किसी गलत जगह पे फेंक दो, कहता है भाईजान भावे साढ़ा ही है पर थल्ले वाले नूं दिओ, साढ़ा नहीं है। अचीवमेंट होगी तो वो भी किसकी होगी? इंडिविजुअल की अचीवमेंट होगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बुनियादी डिफरेंस है। नेक्स्ट जी, गांव में जो सोशल ऑर्डर है वो कस्टम एंड कल्चर बेस्ड है। आपकी चोरी हुई है तो सबसे पहले आप 15 पे फोन नहीं करेंगे। गांव में आप देखेंगे कि गांव में कौन मशहूर चोर है, पहले उसको देखेंगे। नंबर 2, लड़ाई हो गई है तो फौरन 15 पे कॉल नहीं करेंगे आप। गांव के अंदर पंचायत का इंस्टीट्यूशन है, मौलवी साहब हैं, कुछ 2-4 और रिस्पेक्टेबल्स हैं, उनको इन्वॉल्व करेंगे कि इन्होंने मुंडे को समझाओ, खामखा लड़ाई बच जाएगी। शहर में अभी आप इधर बैठे, छोटा सा कोई मसला हो, सबसे पहली चीज की ट्रेनिंग आपको शहर में क्या मिलती है? आपने फौरन से 15 पे कॉल कर, क्लियर होगी बात। नंबर 5, गांव में जो सोशलाइजेशन है वो पर्सनल सोशलाइजेशन है। गांव में आप जाके पूछें कि मैंने जनाब अली साहब को मिलना है, रशीद साहब को मिलना है, ठीक है, वो आपको बताएंगे अच्छा, वो जो 4 भाई हैं, वो जिसकी शादी वहां पे हुई हुई है, वो जिनकी दुकान उस नुक्कड़ पे, यानी कि वो आपकी पूरी असल बसल नस्ल को जानते हैं। इधर आप 51 पे खड़े होते हैं, उससे आप पूछ रहे होते हैं मैंने 52 पे जाना है, वो कहता मैंने तो पता ही नहीं। इम्पर्सनल सोशलाइजेशन है। ये क्लास में आप बैठे, ठीक है, तो यहां पर जो गांव में डेरे में बैठते हैं ना, वो इसलिए नहीं बैठते, हालांकि वहां पर भी तो ग्रुप ऑफ पीपल बैठे होते हैं ना, लेकिन उधर पर्सनल लोयर की गुफ्तगू है, यहां पर प्रोफेशनल गैदरिंग है। आप लोगों को जो चीज एक बनाएगी वो पॉलिटिकल साइंस बनाएगी, अदरवाइज देयर इज नो पर्सनल इंटरेक्शन। हर बंदा आता है, अपनी क्लास पढ़ता है और उसके बाद चला जाता है। तो शहर में इम्पर्सनल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट, गांव का जो सोशल ऑर्डर है वो कास्ट बेस्ड है। अब कास्ट याद रखना है आपने, इनहेरेंट होती है, जेनेटिक होती है, इनहेरेंट होती है। और जो शहर है ये क्लास बेस्ड है। क्लास याद रखने हमेशा अक्वायर्ड होती है, इनहेरिटेड नहीं होती। बस ड्राइवर का बच्चा है ना, वो लंदन का मेयर बन गया, समझ आ रही है ना बात की। लेकिन कास्ट, एक दफा आप जिस कास्ट में पैदा हो जाए फिर आप वही, अनटिल अनलेस के यू डोंट डिसाइड कि मैं चेंज कर लूं, यू नो, हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है ना, पैसे शैसे आ जाते हैं, थोड़ा बंदा सीएसएस करने से पहले चलो रो लो तुसी भावे हंस लो, लेकिन कास्ट इज अ फैक्टर। लेकिन हम जेनेरिकली बात कर रहे हैं कि कास्ट जी बाय नेम आपका चेंज हो सकता है, ठीक है, वो आप करवा सकते हैं, लेकिन वो है तो इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड एक्वायर्ड नहीं है। जब चेंज ही करनी है मैडम, फिर जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी बड़ी रख लें, कोई लंदन की कास्ट उठा के देखें, किसी गोरे की कास्ट, जो मर्जी रख लें, जब अपनी चेंज कर ली है फिर जो मर्जी आलीशान रख लें, ठीक है, कोई मसला ही नहीं जी। उसके बाद नेक्स्ट जी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज हैं वो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफ कोर्स अर्बन एंड रूरल सेटिंग्स, ठीक है। फिर जो गांव में वोटिंग पैटर्न्स हैं, ठीक है, वो किस बुनियाद पर हैं? वो क्लैन की बुनियाद पर हैं, पर्सनल सलाम दुआ की बुनियाद पर हैं, फैमिली की बुनियाद पर हैं, ठीक है, ट्राइब्स की बुनियाद पर हैं। शहरों के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो सकता है, ठीक है। शहरों के अंदर जो है वो पर्सनल कैरेक्टर जज हो सकता है, ठीक है, उस बंदे की पर्सनल जो रिकॉर्ड है वो चेक हो सकता है। क्लियर होगी बात? तो ये डिफरेंस है गांव और शहर में। मेरा सवाल फिर वही है कि जेंडर पे बात कर रहे हैं आप, ठीक है, और आप एक ही फिक्रा लिख ही जा रहे हैं पेपर में कि पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी है, पाकिस्तान में जेंडर इनइक्वालिटी है। बड़ा क्लियर है कि अर्बन सेटिंग में और है और रूरल में और है। मसलन आप लिखते हैं पाकिस्तान में जहालत बहुत है, पाकिस्तान में जहालत बहुत है, पाकिस्तान में लोग कास्ट पे वोट देते हैं, कास्ट पे वोट देते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोसाइटी को जानते होंगे तो मेरा ख्याल है फिर आप इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देंगे, आप बात करेंगे। आपको जब जिस चीज की जरूरत होगी आप वही लिखेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि ये बात इतनी छोटी नहीं है कि मैं सोसाइटी की बात करके आ जाऊं। ये अभी आप समझ लें कि हम पढ़ रहे हैं कि सोसाइटी है क्या, बाद में देखेंगे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिर इधर से हमें कहाँ हेल्प मिलती है। नंबर 3 जी, व्हाट वी डू, व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी थिंक, ठीक है। अगर इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो कल्चर दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, एक मटेरियल और एक नॉन मटेरियल। जी, मटेरियल चीजें जो टैंजिबल हैं और नॉन मटेरियल जो इनटैंजिबल हैं। जी, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अपनी जिंदगी में शुरू हो जाए अपने जात से, और जो आप करते हैं, जो आप रखते हैं और जो आप सोचते हैं, उसकी लिस्ट बना लें, उसको मटेरियल और नॉन मटेरियल में डिवाइड करते जाए। लिबास टैंजिबल है, शूज टैंजिबल है, ठीक है, बाइक, गाड़ी, मकान, दुकान, ये टैंजिबल है, ठीक है, बर्तन टैंजिबल है, चार पाइयां टैंजिबल है, चेयर्स टैंजिबल है। नॉन टैंजिबल में क्या आ जाएगा? आपकी आइडियोलॉजी, आपके बिलीफ्स, आपकी जुबान, आपके मॉरल्स, आपकी वैल्यूज, आपकी कस्टम्स, आपके एथिक्स, आपकी मोरालिटी, हर चीज जो है ये कहां पे आएगी? तो कल्चर क्या है? कल्चर पूरी लाइफ है हमारी, व्हाट वी डू, व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी थिंक। क्लियर होगी बात? जी 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 जनाब जी, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हो गए? चलो चलें जी, अब हम इसका अगेन एक ट्रायल करते हैं कि हमें ये बात करनी है कि पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी जो है वो क्या है। वो एक मिथ है, आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, सडनली आप पेपर में बैठे हैं एंड यू हैव दिस स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू कि जी जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अगर तो हमने वो जो जिस तरह आप डॉन पढ़ते हैं उस तरह पढ़ा हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम सिंपल लिखेंगे कि पाकिस्तान की सोसाइटी वो क्या है, वो उसमें जेंडर इनइक्वालिटी मौजूद है या जेंडर इक्वालिटी नहीं है। अब हम वापस आ जाते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग मोड में कि अभी हमने सोचना है। तो मुझे बताएं जरा, जेंडर इक्वालिटी को सबसे पहले हम देखते हैं, सोसाइटी की बात हो रही है ना, तो सोसाइटी में सबसे पहले किसको देखने? इंस्टीट्यूशंस को। ऐसे याद रखिए ना कि सोसाइटी 3 कंपोनेंट्स के ऊपर है, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर। तो इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले कौन सा इंस्टीट्यूशन है? जरा देखें, स्ट्रक्चर में से एक हेडिंग बन सकती है, आप लोग बना सकते हो अभी के नहीं बना सकते, भाई ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर में जेंडर इनइक्वालिटी है कि नहीं है, कंपैरेटिवली है कि नहीं, तो एक हेडिंग बन गई। तो स्ट्रक्चर से एक हेडिंग बना लिए, तो एक कहां से बनाओ, फंक्शन से। उसके बाद अगली चीज मॉस्क, स्ट्रक्चर में जाओ और थोड़ा माइंड अप्लाई करें। मस्जिदों में खवातीन अलाउ हैं, इमाम मस्जिद हैं खवातीन, ज्वाइंट को एजुकेशन मस्जिदों में है नहीं है, तो फिर क्या है आगे हेडिंग, आगे आ जाओ स्कूल, मर्दों के लिए अलग स्कूल, खवातीन के लिए अलग स्कूल, फिर टीचर्स का मसला है, ठीक है। फिर औरतों को औरत स्कूल बना के बाहर भेजता है, उसको पता लग चुका होता है कि मैं औरत हूं। मर्द को मर्द स्कूल वाला बना के भेज चुका होता है। हम लर्निंग कहां से करते हैं, स्कूल से करते हैं ना। तो इसका मतलब है किताब से पढ़ा हुआ है तो दो लाइनें याद हैं, अगर अपना दिमाग लगाया है तो कितनी हेडिंग्स यहां से निकल आई, दो यहां से और दो। अभी प्रॉब्लम साइड है, अभी इश्यूज डिस्कस करो, सॉल्यूशन की बात नहीं अभी मैंने की। आगे आ जाए अर्बन और जी, अर्बन में बताएं जेंडर इक्वालिटी है, कंपैरेटिवली है, लेकिन कंपैरेटिवली कुछ ना कुछ, कुछ क्लास के लिए नहीं। तो फिर यहां पर बात बनेगी, दो हेडिंग्स यहां से निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। अब आ जाओ रूरल में, तो रूरल में दो छोड़ के कितनी निकाल लो, चार निकाल लें आप, चलें दो निकाल लेते हैं हम यहां से। अब आ जाए कल्चर में, जिस बंदे को सिर्फ एक वर्ड पता है ना कल्चर, वो तो बेचारा एक ही हेडिंग बनाएगा, और जिसको ये पता है कि कल्चर वर्ड तो सिर्फ एक कोड है, ये तो एक, इट्स जस्ट लाइक द कोड, जिसको तोड़ेंगे डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेंगे, 15-20 कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, मोरालिटी, रिलीजन, एक एक चीज निकलेगी। तो चले मैं ज्यादा गप नहीं लगाता हूं, 4 पॉइंट्स निकाल लेंगे आप, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 4। अभी जेंडर पे बात किसकी हो रही है सिर्फ। अब जरा पहले वाला पॉइंट लगाओ, कौन सा था, कितने को निकाल लोगे यहां से, दो निकाल लोगे, चले मैं ज्यादा नहीं करता, दो निकल आएंगे। अभी कौन बाकी है, अभी तो स्टेट को तो हमने पूछा ही नहीं कि तुम्हारे लॉज क्या हैं, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तुमने वुमेन के लिए थाने बनाए हैं कि नहीं बनाए, वुमेन के लिए फीमेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रखी है कि नहीं रखी, वो कवानीन बनाए हैं कि नहीं बनाए जो जेंडर सेंसिटिव हैं, ठीक है। जुवेनाइल को डील करने के लिए आपने क्या किया है, जेलों के अंदर खवातीन से रेप हो रहे हैं उसके लिए तुमने क्या किया है, राइट। अभी हमने स्टेट को पढ़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है स्टेट क्या होती है। ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल। जेंडर को हटा दें, अपनी मर्जी का टॉपिक बताएं, टेररिज्म ले लूं और बताएं कोविड-19 अप्लाई करके देखिए, कोई टॉपिक ले लें एंड यू अप्लाई इट। और जरूरी नहीं कि हर जगह पे सारे पॉइंट्स लगेंगे, बट एक वो बच्चा जो पेपर में ये बात करता है कि सोसाइटी में दहशतगर्दी बढ़ गई है, और एक वो बच्चा जो बताता है कि फैमिली का क्या रोल है, मॉस्क का क्या रोल है, स्कूल का क्या रोल है, अर्बन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, रूरल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, कल्चर का क्या रोल है। तो मेरा ख्याल है एक को हम कहेंगे, मेरी नजर में, कि एक बंदा सुपरफिशियल सतही बात कर रहा है और एक बंदा बात कर रहा है इन डेप्थ, वो चीज को समझता है। स्वीपिंग स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, बच जाएंगे, अवॉइड करेंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस इंडिविजुअल, सोसाइटी और स्टेट से डील करता है, बल्कि इंडिविजुअल और सोसाइटी को जब हमने ब्रेक डाउन किया तो हमें और भी फायदा मिला कि ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की समझ आएगी, बल्कि जो बाकी ब्रेन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग यहां से पॉसिबल है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं नंबर 3, जी अब हम बात करेंगे स्टेट की। इसकी जो किताबी डेफिनेशन है मैं बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं आपसे सिर्फ एक से दो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करूंगा और फिर बात करेंगे। आपका घर है, क्लासरूम है, सड़क है, कोई पार्क है, कोई सिनेमा है, कभी किसी भी जगह पर जिंदगी में आप अफरा तफरी का शिकार हुए, डिसऑर्डर का शिकार हुए, रोला पै गया हो, फड़लो हो गई हो, कभी ऐसी कैफियत का शिकार हुए, तब आपके ज़हन में पहला सवाल क्या आया कि कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो इसको क्या करे, मेंटेन करे, इसको इन ऑर्डर रखे। समझ आ रही बात की? तो 22 करोड़ लोगों के आपस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो ट्रांजैक्शंस की नोयत क्या हो सकती है? सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, किसी भी तरह की जुर्म हो सकता है, फायदा हो सकता है, कोई राइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनको मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक अथॉरिटी चाहिए जो क्या करे, जो लोगों के दरमियान उनकी जो लाइफ है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको क्या करे, रेगुलेट करे। किताबी डेफिनेशन नहीं करनी, इट्स वेरी सिंपल। आपने जमीन बेचनी है, आपने जमीन बेचनी है, किसकी मौजूदगी में आप जमीन बेचें तो आपके ऊपर फ्रॉड का पर्चा नहीं होगा। कल को स्टेट ने एक स्टैंप पेपर रखा हुआ है, आप वो स्टेट का डॉक्यूमेंट लें, स्टेट को उसकी फीस पे करें, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? आपकी जमीन बिक जाएगी। आपके घर चोरी हो गई है, आप साथ वाले को जाके बताएंगे कि मेरी चोरी होगी तुम ढूंढो, या पुलिस को बताएंगे? वाई पुलिस? देन क्वेश्चन इज वाई पुलिस? 22 करोड़ लोगों के दरमियान पीस को, ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। उसके बाद कोई बाहर की रियासत हमारे ऊपर हमला ना कर दे, तो हमने अपने बॉर्डर्स के, जैसे घरों में लोगों ने कैमरे लगाए हैं, चौकीदार रखा होता है, तो स्टेट क्या करती है? उसका क्या काम है? एक्सटर्नल और इंटरनल जो डेंजर्स है उससे आपको बचाना है। इट्स वेरी सिंपल, क्लियर हुई बात? तो ये जितने मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 गवर्नमेंट, नंबर 3 लॉ, मिनिस्ट्री या मिनिस्टर, जुडिशरी, पीएम, प्रेसिडेंट। आपका बैकग्राउंड बेशक जियोलॉजी से है, बेशक सोशियोलॉजी से है, ये वर्ड्स आपने जिंदगी में कभी सुने? मुश्किल तो नहीं है। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स स्टेट जी। गुलाम मुर्तजा साहब, अभी मैं किताबी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ कि टेरिटरी क्या है और पॉपुलेशन क्या है, मैं एम नॉट, अभी हमारा वो लेक्चर नहीं हो रहा, ठीक है। हम एक कह लो कि एक सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने इसमें करना क्या है। एक जुमला याद रख ले बस, लोगों के दरमियान जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हमें एक अथॉरिटी चाहिए। उस अथॉरिटी का नाम क्या है? स्टेट है। आगे उसकी डेफिनेशंस हैं, वो कोई कहेगा ऐसे है, कोई कहेगा वैसे है, कोई कहेगा ऐसे है, वो अभी हम उस चक्कर में नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया जी? नहीं, अभी बस अगर आपको समझ आ गई कि स्टेट क्या है तो ये काफी है। डेफिनेशंस जो है वो आगे पूरा सेशन हमने यही चीजें करनी है और यही चीजें हमने लिखनी है। क्लियर हो गया जी? तो आज हमने अभी तक जो है वो ये देख लिया कि पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ना क्या है। 3 वर्ड्स मैंने बोले जी, इंडिविजुअल, सोसाइटी और स्टेट, ठीक है। इंडिविजुअल के कितने एंगल हैं जी? सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एथिकल, रिलीजियस। सोसाइटी तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। क्या क्या जी? इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कल्चर है। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशंस में तीन बेसिक इंस्टीट्यूशन जी, उसमें फिर हमने एक का स्ट्रक्चर देखना है, हर एक का फंक्शन देखना है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रूरल ऑर्गेनाइजेशन और अर्बन ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह अगर हम बात करें कल्चर की तो व्हाट वी डू, व्हाट वी हैव, इट्स वेरी सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर, व्हाट वी डू, व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी थिंक। और जो कुछ भी ये है उसको हमने दो हिस्सों में आगे फर्दर डिवाइड कर देना है, मटीरियल और नॉन मटीरियल। मटीरियल विच इज टैंजिबल और जो नॉन मटीरियल है जो इनटैंजिबल है। तो जो भी चीजें वजन वाली हैं उनको आप उधर डालेंगे और दूसरी को आप इस तरीके से करेंगे। क्लियर होगी बात जी? ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में हमने इंडिविजुअल, सोसाइटी और स्टेट, इन तीनों जो है उसको पढ़ना है। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब जो बच्चे आज पहले दिन आए हैं, ठीक है जी, मैं इसी चीज का तारिक साहब जवाब देने लगा हूं। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 3 दिन हमारी क्लास होगी वीक में, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 4 to 6, बट कभी कभार इट मे बी 4 to 6:30। ठीक है, यानी कि हाफ एन आवर की जो वो है लीवरेज वो हम कभी ना कभी ले लेंगे। ठीक है, 2 मंथ्स का आपका ये सेशन होगा। ठीक है, 8 वीक्स, लेकिन नॉट नेसेसरीली के, यानी कि हमने अपना काम करना है। ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट 1 आध वीक ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी चीज, जो बच्चे तो आए हैं नोट्स लेने के, सर ने नोट्स देने और वो नोट्स से हमने पढ़ लेने, दे आर एट द रॉन्ग प्लेस। मैं उनको कहूंगा वो ना अपना टाइम जाया करें ना मेरा करें। समझ रहे ना बात को? बंदा गलत डॉक्टर के पास चला जाता है ना, तो वो वाला काम नहीं हमने करना। नंबर 3, जो बच्चे किसी शॉर्टकट के चक्कर में कि इनके पास कोई फार्मूला होगा, कोई दवाई होगी, कोई फकी होगी, तो बिल्कुल भी ऐसी कोई सूरत-ए-हाल वो नहीं होगी। 5 बातें जो एफपीएससी ने कही, अंडरस्टैंडिंग करवाना मेरा काम है, अच्छी रीडिंग देना वो मेरा काम है, सवाल कैसे लिखने वो मेरा काम है, उसको चेक करना मेरा काम है। ठीक है, आपको मोटिवेट करना, गाइड करना, इनकरेज करना, ये मेरा काम है। ये जितने भी मेरे काम है ना, इसके साथ साथ पैरेलल एक और भी काम है, और वो काम किसके करने के हैं? आपके करने के, और वो आपकी जगह पर वो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो रीडिंग जी, जो बच्चे लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ लेक्चरर की तैयारी, अच्छा ये सेशन उनके लिए किस तरह से है? ये इस तरह से है कि तकरीबन 2000 MCQs हमने करने, जो मैं आपको करवाऊंगा या उसकी वीडियोज दे दूंगा। ठीक है, और जो बच्चे लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं वो ये सेशन के बाद ना सिर्फ उनके जो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे, बल्कि अगर आप इंटरव्यू की भी तैयारी में जाते हो तो यही चीजें दोबारा आपने मेरे से करने आनी। ठीक है, तो आपको मैं एमसीक्यूज प्लस जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, क्योंकि सब्जेक्ट जी जो पीएमएस और सीएसएस के एमसीक्यूज हैं, पीएमएस में तो खैर नहीं आते, सीएसएस में आते हैं, 40 नंबर के एमसीक्यूज हैं, वो मैंने बाकी क्लास को भी करवाने, आप लोगों को भी करवाने, और वो मैं ही प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपको ज्यादा इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया जी? और जी आपका कोई क्या क्वेश्चन था? जी वो मैं प्रोवाइड करूंगा, रीडिंग मटेरियल जो है वो आपको एफपीएससी की जो रिकमेंडेड किताबें हैं वही मिलेगी, या वो आपको जी 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 बिल्कुल, इसमें मैं अब यही बात करूंगा कि हम लोग कल की क्लास में ये करेंगे कि एवरी स्टूडेंट, जो बच्चे आप में आएंगे, आप लोगों ने अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वो लिख के मुझे दे देना, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मुझे ग्रुप में भेज दें। ठीक है, वो अभी बात करेंगे। उससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा, मैं हर बच्चे को सेम रिकमेंडेड मटीरियल नहीं देता। एक बच्चा है वो कहता है सर मेरी सेकेंड अटैम्प्ट है, एक बच्चा कहता है जी मैंने तो अटेम्प्ट 2024 में देनी है। तो बड़ी ज्यादती होगी कि अगर आप एक ही किताब से दोनों बच्चों को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अभी 1-2 दिन हमें लगेंगे टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है ना, कि मुझे पता चल जाए कि आप कहाँ खड़े, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। अच्छा जी, दूसरी बात होगी मॉक्स का, बच्चे पूछते हैं तो मैं मॉक्स तो जब तक आपके इम्तिहान है ना, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपने मुझे मॉक्स तो देते रहना, वो छोड़ दे, वो ट्रिक होता है, हमें कहानी होती है। असल चीज क्या है कि हमने एक लेक्चर रखना है, कि हमने 20 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखना है। वो क्वेश्चन आप लिखेंगे और वो क्वेश्चन आपको चेक होके मिलेगा। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स देना चाहते हैं। राइटिंग इजी नहीं है, बैठना पड़ता है, कमर दर्द हो जाती है, हाथ उतर सकता है, खुदा न खास्ता बाजू पूरे का पूरा भी उतर सकता है। अखबार में आया नहीं हुआ था सवाल लिखते लिखते 6 लोगों की बाजू उतर गए, ठीक है। तो ये मुश्किल काम है, सही है। तो आप तंग आ जाएंगे, लेकिन मेरी तरफ से आपको इंकरेजमेंट मिलती रहेगी कि आप क्या करें, लिखते रहें। क्योंकि अभी पहले दिन हर बंदा वादा करेगा कि हम लिखेंगे, क्योंकि है पूरा होता है। जब 2 सवाल बंदा लिखता है ना मुसलसल, तीसरी दफा ना अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, मार्क माय वर्ड्स, किसी की फूफी बीमार हो जाएगी, किसी का चाचा बीमार हो जाएगा, किसी का ताया बीमार हो जाएगा, किसी की कमर दर्द निकल आएगी, कोई कहेगा सर मैंने 6 सब्जेक्ट और भी शुरू किए हुए। हाँ, एक और बात, जो बच्चे एट अ टाइम 8-8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, या 6-6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो खुद जिम्मेदार है। मेरा काम है पढ़ाना, तैयार किया या नहीं किया वो फिर उनकी गारंटी। हाँ, जो बच्चे फुल टाइम पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं या एक आधा सब्जेक्ट 2 और चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी है कि मेरा काम है उनको सब्जेक्ट तैयार करवाना है। समझ आ रही है ना बात की? तो राइटिंग जो है वो इज एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस कोर्स। जो नहीं लिखना चाहते वो मुझे पहले बता दे कि सर मेरे को पूछ, वो कहते हैं ना उधार मांगकर शर्मिंदा ना हो, ठीक है, मुझे पहले ही कह दे कि मैं पूछूं ही ना, वरना काफी जो है वो बिस्ट प्रोग्राम भी चलता है, क्योंकि अब मार नहीं प्यार वाला जमाना है ना, तो हल्का हल्का वो हम पूछते रहते हैं फिर कि क्या करना है और क्या नहीं करना। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, सर इस वीक मास्टर्स के पेपर हैं ट्यूसडे टू फ्राइडे, कल और परसों की क्लास में जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी, अगर कल और परसों की, और रेगुलर रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। जो बच्चे कभी कभार क्लास मिस करते हैं फॉर सम रीजन, उनको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। अच्छा जी, क्लास कह रहे हैं जी 4:30 to 6:30। यार जो कमिटमेंट है एडवर्टीजमेंट के ऊपर वो 4 to 6 की है, ठीक है। तो आप उस्मान, आप अभी एडमिन से कांटेक्ट कर लें तो आपके लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो एडवर्टीजमेंट है आप सारे बच्चे 4 to 6 का ही माइंड में रख के आए हैं ना, ठीक है। तो वो डैट वुड बी एन, वो बड़ा अनएथिकल हो जाएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा जी। अंसर जवेद साहब, आप बिल्कुल लेक्चर की तैयारी करें, ठीक है, इसमें बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर की जो तैयारी है वो हो जाएगी। गुलाम मुर्जा साहब, विल वी डू वीकली और फोर्टनाइटली आंसर राइटिंग एंड टेस्ट? जनाब डेली करें, एक दफा आई विल हैव वन क्लास कि हाउ टू राइट द क्वेश्चन। उसके बाद मजेदार, टीचर को बड़ी मौज है ना, आपने क्या करना है, राइट हो ही नहीं सकता जब तक 2 चीजें ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो और रीडिंग ना हो। अंडरस्टैंडिंग मेरा काम है लेक्चर के थ्रू देना, और दूसरा काम कौन सा है वो मुझे पता है कि वो कितने % बच्चे करेंगे, 5%। जो 5% करेंगे उनका काम चेक हो जाएगा। जो 95% है, जिन्होंने सोचा हुआ कि मैंने पेपरों से 2 हफ्ते पहले बॉक्स देने, मैं तब लिख लूंगा, मेरे सीनियर ने कहा था कि मैंने तो नहीं लिखा था, मेरे फिर भी 130 आ गए थे, यानी कि जिसको कहते हैं ना सेल्फ अश्योर्ड इंटेलेक्चुअल्स, तो उनसे तो हम माफी मांगेंगे ना, उनसे तो हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों जी? अगर आप में से कोई बच्चा कहे कि सर मैं फ्रांसिस फोकोयामा हूं, तो मेरी जुर्रत है मैं उसको कहूं कि नहीं यार तुम नहीं हो सकता है। ये इसी पहले साथ पैरेलल चलेगी, ठीक है। चले, ये भी आशा सर जी, थैंक यू सो मच। और जो बच्चे आप में से बाद में ज्वाइन किए, ठीक है, ये हमारा नंबर है जी, ये लिखा हुआ है अकेडमी का 0324577246 जी। इस नंबर पे जो है वो आप लोग कांटेक्ट कर लें। थैंक यू सो मच जी, इट वाज रियली अ गुड सेशन, थैंक यू जी, लेक्चर वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव, थैंक यू, ठीक है जी। जी कोई और किसी बच्चे का क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, ऑफ कोर्स दिस इज नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑन कैंपस स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें किसी भी हवाले से। बाकी 4 दिनों में आप टेंशन न लें, इतनी को रीडिंग होगी कि आप 4 दिन पढ़ेंगे तो मंडे को क्लास लेने का मजा आएगा, ठीक है, डोंट वरी जी। बिलाल जुनेद साहब, लेक्चरर जो है उसकी ही तैयारी हम करेंगे जी सादिया इरफान आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, ठीक है, और जो पैसेज या अपना इंट्रोडक्शन भेजना है वो आपने इसी नंबर पे भेजना है। जी जुहेब, बिगिनर्स के लिए ही ये सेशन है, मतलब हमने कोई भी ऐसी बात नहीं की, कोई टर्मिनोलॉजी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, वो होता है ना पहले सेशन में टीचर्स ट्राई टू क्रिएट एन इम्प्रेशन कि जी इधर हमने इज्म और फलाना इज्म और फलाना इज्म पढ़ना है। देयर इज नो इज्म, ठीक है, देयर इज प्लेन एंड सिंपल स्टार्ट फॉर एवरीबॉडी। आई डोंट नो, ये आप बेहतर जज कर सकते हैं कि आप जिस जिस बैकग्राउंड से आए हैं अगर आपके लिए ये इक्वली हेल्पफुल है या नहीं है, इट्स अप टू द स्टूडेंट्स। जी मसूद गुलाम नबी साहब, ऑनलाइन और फिजिकल जी दोनों तरह से सेशन होगा, ऑन कैंपस आना चाहे मोस्ट वेलकम। जी दोनों क्लासेस होंगी, ठीक है, और फीस वगैरह जो भी है वो आप ये एडमिन से कांटेक्ट कर लें। अच्छा जी मेथोडोलॉजी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। कंटेंट जो है वो ऑफ कोर्स, और अच्छा कंटेंट का मैं बता दूं, सॉफ्ट में मैं मटेरियल शेयर नहीं करता। सॉफ्ट में मटेरियल शेयर करने का मतलब है कि आपने बच्चों को तबाह कर दिया, ठीक है, उसकी मैं खैर एक स्टोरी भी बताऊंगा कि आई यूज्ड टू शेयर मटेरियल इन सॉफ्ट फॉर्म, वो मेरे स्टूडेंट्स आगे 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 शेयर होते होते एक दिन मेरे स्टूडेंट ने मेरा मटेरियल मुझे भेज के कह रहा है कि सर ये मटेरियल बड़ा अच्छा है, आपने बच्चों को रिकमेंड करना है। मैंने कहा कमबख्त आदमी, ये तो मेरा ही है, ठीक है। वो होता क्या है, हमारा एक प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कौम का, जिस फंक्शन के लिए हमारी फैमिली हमें यहाँ भेजती है ना, हम वो करने की बजाय उससे अगला फंक्शन परफॉर्म करने के चक्कर में है। मसलन आप लाइब्रेरी जाते हैं, इट इज नॉट योर ड्यूटी कि बाकी बंदों को मैंने मटेरियल देना है, इट पहले पढ़ तो लो भाई। प्रॉब्लम क्या है, जिस लड़के के पास अच्छी फाइल आ जाएगी उसका काम होना है, बड़ी माजरत के साथ कोई खातून मिल जाए उनको मैं कह दूं देखिए मेरे पास ये वाला मटेरियल है, कोई फिर किसी खातून के पास होगा वो हॉस्टल जाएंगी, बहन तेरे लिए स्पेशल नोट्स लाई हूं, वो चैरिटी होती रहती है। जो असल पर्पज है वो कोई नहीं देखता कि इसका काम क्या है, पढ़ना। जब आप 1000 रुपए की किताब खरीदेंगे ना, बिलीव यू मी, रात को सोते हुए भी बंदे को याद रहेगा कि मेरी कोई किताब तो नहीं चौक के ले गया, ठीक है, होती है ना। तो बस ये पैसे लगाएंगे तो हो जाएगी। तो मटीरियल बताना, शेयर भी करूंगा, बट वो प्राइमरी मटेरियल नहीं होगा, ठीक है जी। कोई भी बंदा जब अपने हाथ से चीज बनाता है ना तो उसका दिल नहीं करता फिर उसको डोनेशन करने, जब आगे से आई हो तो बंदा कहता है फिर तुसी भी आन दो, तुसी भी जान दो, तुसी भी आन दो, तुसी भी जान दो, ऐसा होता है। नोट्स खुद बनाएंगे जी, नोट्स जी। अनम कौसर साहिबा कह रही है जी कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मटेरियल कैसे प्रोवाइड होगा, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, उसका नाम होएगा, उसके अंदर हम सारे लोग होंगे, उसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है जी। सर कंटेंट से हमें फायदा होगा कि हमें नेक्स्ट टॉपिक के लिए कुछ रीड करने का लेक्चर, जनाब नजीब खान साहब नेक्स्ट लेक्चर का आपने रीड करके नहीं आना, वो मेरी जिम्मेदारी है, इतना बोझ आप लेंगे तो। मैं इंशाल्लाह आप क्लास लें, यू विल अंडरस्टैंड इट कि जब आप क्लास पढ़ के जाके रीडिंग करेंगे ना वो टॉपिक आपके सामने ऐसे खुल के बाहर आएगा, ठीक है। इट्स एन एक्सपेरिमेंट, ये आप करके देख लें, ठीक है जी। नोट्स मेकिंग का तरीका, ये वो ये सब बातें होंगी। आज के दिन का सिर्फ एक टेक अवे है बस, ठीक है, एंड दैट इज कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और हमारी अप्रोच क्या होगी इसको करने की, बस। अगर ये दो चीजें क्लियर होगी तो बाकी सारे सवाल जो है वो जिम्नी है, वो कल परसों तरसों होते जाएंगे। डन हो गया जी। जी किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन आप में से? जी क्या हाँ, तो हमने तकरीबन 11 और 4 15 फिलोसफर्स करने, 15 फिलोसफर्स करने, ठीक, 4 मुस्लिम्स करेंगे और 11 हम वेस्टर्न करेंगे, सॉरी। बाकी फिलोसफर्स जो हैं वो पाकिस्तान है ना, तो वो जिसको कंटेंट बनाने को कहा होगा उसको किसी ने गूगल किया होगा, उसको जो फिलोसफर की लिस्ट दी होगी उसने दे दी होगी। उनमें से आधे फिलोसफर वो हैं जिनकी पॉलिटिकल फिलोसफी है ही नहीं जी, वो सिर्फ नाम है, ठीक है। तो बाकी 12, 15, 20 साल के पास पेपर्स भी देखें तो पेपर जो है वो 12 फिलोसफर्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है। और वैसे भी जी नजीब खान साहब बुक्स या रीडिंग मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है वो यू टॉक टू द एडमिन, तो वो इंशाल्लाह वो जो भी हर दफा मटेरियल होगा वो ग्रुप में शेयर हो जाया करेगा, ठीक है। और जी जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी अली, अंसर, अनम, बतूल, डॉक्टर अदनान, फिरदोस, गुलाम मुर्तजा, हमजा, हमायूं, जहजेब, मैमूना, मारिया, महविश जी जी पास्ट पेपर्स की बच्चे बात कर रहे हैं। दैट इज माय कमिटमेंट 120 आउटलाइंस, 60 पेपर 1 और 60 पेपर 2, ये मैंने आपको करवानी, राइट, प्लस तकरीबन 2000 एमसीक्यूज। दैट इज पार्ट ऑफ द वो जो हमारा सेशन है जी। जिन्होंने पीएमएस का सिलेबस करना है, बिल्कुल जी पीएमएस का सिलेबस भी कवर होगा, उसमें 1-2 टॉपिक एडिशनल हैं और 5-7-10 टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, तो वो डोंट वरी, पीएमएस का भी कवर होगा और लेक्चरर का भी। जी शराज साहब जी, मुदस्सर खान साहब, बिल्कुल दिस सेशन इज फॉर द बिगिनर, ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करें, इंशाल्लाह डे बाय डे फिर हम इन्हीं के ऊपर बिल्डअप करेंगे, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने पहले भी बात की है कि आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप 0324577246 जी। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो प्लीज जी। अंसर जवेद साहब, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। तारिक साहब, जैद, साबिर, सादिया, परवेज जी, निम्रा, नुमान, नूरुल्ला, उसामा, ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। तो कल इंशाल्लाह कोशिश करें कि 3:50 पे कोशिश करें कि क्लास में आ जाए, ताकि पूरे 4 बजे फिर हम लोग विल स्टार्ट द क्लास। तो टुमारो जी वी हैव फर्स्ट फॉर्मल लेक्चर। आज भी ये जो आखिरी 20 मिनट थे सेंटर में, 30 मिनट वो लेक्चर ही है और उसी की बुनियाद पे विल स्टार्ट द फर्स्ट फॉर्मल लेक्चर टुमारो, ठीक है, 4 to 6, क्लास 2 आवर्स, मिनिमम 2 घंटे, इट कुड बी 15-20 मिनट, आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। डाइजेस्ट आपके लिए फकी भी फिर कोई बनवा लेते हैं, ठीक है जी, इंशाल्लाह हो जाएगा जी। नजीब साहब इंशाल्लाह करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस का भी जी सिलेबस इसमें कवर होगा, बिल्कुल होगा जी।